सो गाइस हम लोग एक फ्रूट प्लांट पे आए हुए हैं अभी, तो ये आप फ्रूट्स देख पा रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मेरे महादेव घाट वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हालांकि व्यूज बहुत कम है, बट जितने लोगों ने भी देखा है उन सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये व्लॉग है वो एक विलेज टूर है। मैं अपने गांव जा रहा हूँ और गांव में एक्चुअली एक 150 एकड़ का फार्म लैंड है जिसमें फल, सब्जियाँ, फूल ये सारा चीज़ उगाते हैं, तो वो सब हम घूमेंगे और गांव का थोड़ा सा टूर रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगा। और निकलने से पहले मुझे राहत इंदौरी साहब का दो लाइन याद आ रहा है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। हे गाइस, अभी हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो गांव से कुछ दूर में वो जहां हम जाने वाले हैं वो प्लॉट है, तो पहले थोड़ा सा गांव घूमेंगे हम, उसके बाद वहां जाएंगे। तो चलिए गाइस। सो फाइनली गाइज, हम लोग हमारे दोस्त के फार्म हाउस में पहुंच चुके हैं। तो ये मेरा दोस्त है जिसका नाम आशुतोष है और वो एक्चुअली यहाँ का मैनेज करता है, पूरा फार्म हाउस को देखता है। तो वो बेसिक हमें इंट्रो बताएंगे कि यहाँ पे टोटल कितने एकड़ में फैला हुआ है और कौन कौन से फल, फूल, पौधे ये सब लगे हुए हैं। तो आशुतोष, आप हमें बताएँ। ये कम से कम 150 एकड़ का प्लॉट है। इसमें 8-10 एकड़ में पॉली हाउस है और 3-4 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। 3-4 एकड़ में वही आम का प्लांट लगा हुआ है और 1-2 एकड़ में एप्पल बेर लगा हुआ है। वही 1-2 एकड़ में अपना सीताफल भी लगा हुआ है। और जो पॉली हाउस है उसमें 1.5 एकड़ में उसमें ऑर्किडिस का जो फ्लावर है वो लगा हुआ है और 1 एकड़ करीबन में जरबेरा का फ्लावर लगा हुआ है पॉली हाउस में। अच्छा, तो गाइस इतने सारे फूल, पौधे और ये सब लगे हुए हैं, तो हम एक एक करके अभी घूमेंगे। तो चलिए हम देखते हैं गाइस कि क्या क्या, किस तरह का क्या क्या लगा हुआ है और आपको भी इस साथ में दिखाते रहेंगे। तो चलिए गाइस। ऑर्किडिस का वो है फ्लावर है और इसको हम लोग एरोपोनिक सिस्टम के थ्रू लगाए हैं। क्या ये नॉर्मल वाटर उसमें वो नहीं होता है, मिट्टी में नहीं होता है, इसको ना ये जो बूज दिख रहा है ना उसमें तैयार करते हैं। अगर मिट्टी में करें तो ये नहीं होता है इसका।
प्रोडक्शन नहीं होते। सो गाइस हम लोग यहाँ हल्दी के फार्मलैंड में आए हैं, तो आशुतोष हमें बताएंगे टोटल कितने लैंड में लगा है, कब इसको सोइंग हुआ था, कब इसका हार्वेस्टिंग करेंगे, पूरा डिटेल बताएंगे। तो आशुतोष, ये इसको हम लोग जून जुलाई में वो सीड लगाए थे, और ये दो वैरायटी लगा हुआ है यहाँ, एक तो प्रगति और प्रतिभा करके जो 6 मंथ वैरायटी है, और ये टोटल यहाँ पर 80 से 90 एकड़ में करीबन लगा हुआ है यह हल्दी यहाँ पर। और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम है वो दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीना अपना चले गई है हार्वेस्ट। ठीक है बस। तो गाइज यहाँ पे 3 अलग अलग तरह के फ्रूट्स लगे हैं, आम हो गया, एप्पल बेर और सीताफल। एप्पल बेर है, इसका अनार का पेड़ आप देख पा रहे हैं। गाइस हम लोग एक फ्रूट प्लांट पे आए हुए हैं अभी, तो ये आप फ्रूट्स देख पा रहे हैं, तो इसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं। तो ये हेल्थ वाइज काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, और इसका प्राइस भी मार्केट में काफ़ी अच्छा रहता है। तो आशुतोष हमें बताइए कि कितने एकड़ में लगा है और कितना रेट में जाता है यहाँ से। ये करीब 7-8 एकड़ में लगा है यहाँ पर जी, और ये यहाँ से जैसे हम लोग बेचते हैं तो 120-150 रुपये में यहाँ से निकलता है, और मार्केट प्राइस कम से कम 300 के आसपास होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 300 के आसपास इसका, 250 से 300 के बीच अभी मार्केट में है, और आप इसको ट्राई करके देखिए और कमेंट में हमें बताइए। बस एक चीज़ आपको हिंट दे सकते हैं कि फ्रूट जो है वो चाइना से आए हैं। तो गाइस जो लोग सिटी में रहते हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको महीने में या 1-2 महीने में एक बार ज़रूर किसी फार्म विजिट या किसी नेचुरल प्लेस में विजिट करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप ऐसे जगहों पे जाते हैं तो एक सुकून मिलता है और एक शांति रहता है मन में, और आप हो सके तो खाली पैर चले या ज़मीन में चले, घास में चले, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते हैं तो हमारा जो बॉडी है, सोल है, वो सारा चीज़ हील करता है और हमें काफ़ी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। तो बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस। और गाइस ये हमारा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।